भाई संदीप होने कह रहे हैं कि हिंदू एकता सिख जी है वो कायम रहनी चाहिए, दूसरे बन्ने गुरदासपुर तो शिवसैनिक आगू ने वो कह रहे हैं कि जी जेकर ऐसा ही माहौल चलता रहा तो श्री अकाल तख्त साहब दोबारा हमला करने की जरूरत पै सकती। एक बन्ने कहा जा रहा है कि सिख आगुआ नूं मना करता गया, लेकिन असी तो अपना रस्ता बना के अंदर आ गए। फुल्लां दी वर्खा की है, कहा जा रहा है कि भाई कुछ जथेबंदियों वालों हिंदू जथेबंदियों वालों कोई फुल्लां दी वर्खा क्यों की गई, इतराज किए जा रहे हैं। भाई सानू साडा संदीप सिंह मुबारक है, उन्होंने जिहड़ा सीगा वो सूरी मुबारक सीगा। असी फुल्लां दी वर्खा करिए, कल नूं असी उन्हां नूं सरोपा उन्हां सन्मानित करना हैगा है, तो इस प्रकार दे नाल साडा पंथ का सिलसिला तो उन्हां सन्मानित करन दा चलदा रहेगा। तो किसी नूं इस प्रकार का ना प्रशासन ने कोई लोड़ है सानूं रोकण दी, तो ना ही किसी हिंदू संगठन रोकण दी लोड़ है। सुधीर कुमार सूरी कतल मामले में संदीप उर्फ सनी नूं अज अमृतसर दी मानजोग कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरे पासे अगर गल की जाए तो पंजाब पुलिस वालों लगातार ही चप्पे चप्पे ते जिहड़ी है पुलिस तैनात की गई तां जो कि सिख आगूआं नूं अंदर ना आता जाए, क्योंकि दस्या ही जा रहा है कि बीते दिन जदों सनी नूं अमृतसर दी मानजोग कोर्ट में पेश किया गया सीगा ते फुल जिहड़े सीगे उह सुट्टे गए सन, जिस तों बाद जिहड़ी जो पुलिस वालों जिहड़ा सीगा इस नूं रोक लगाई गई है कि सिख आगू जिहड़े उत्थे ना पहुँच सके। प्रोफेसर बलजिंदर सिंह साहब नाल मौजूद ने हवारा कमेटी तो, प्रोफेसर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोफेसर साहब हुण मना कर दिता गया जी कई सिख आगूआं नूं अंदर आउण तों, क्या लगता है कि वाकई जी जुडिशली हैगी है वो अनसेफ अपने आप महसूस कर रही है? देखो अज उन्हां दी तारीख है संदीप सिंह दी, ते एक बने कहा जा रहा है कि सिख आगुआ नूं मना करता गया, लेकिन असी तो अपना रस्ता बना के अंदर आ गए हैं। ये मेरे नाल सुरनजीत सिंह कुरालिया खलोते ने, भाई बलदेव सिंह खलोते ने, होर भी आ रहे हैं, और मेरे ख्याल मुताबक ये साडा एक कानूनी से संविधानिक हक बनता कि असी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंपलैक्स में जिथे कि साडे संदीप सिंह नूं जिन्हां ने कि सिख कौम की एक खालसाई रिवायतों मुताबक सेवा की है उन्हां दी तरीक है, तो साडा हक बनता संविधानिक हक है, असी अंदर आए हैं और असी उन्हां दे नाल अपनी पूरी सोलिडरिटी ते ये दसण वास्ते कि असी पंथ उन्हां नाल खड़ोता होया है। नंबर एक दूसरी गल हैगी है कि सिख जथेबंदियां ने जेकर फुल्लां दी वर्खा कीती है, कहा जा रहा है कि भाई कुछ जथेबंदियों वालों हिंदू जथेबंदियों वालों कि भाई फुल्लां दी वर्खा क्यों की गई, इतराज किए जा रहे हैं। भाई सानू साडा संदीप सिंह मुबारक है, उन्होंने जिहड़ा सीगा वो सूरी मुबारक सीगा, सो इहदे विच कोई गल नहीं हैगी, इहदे विच कोई कलैश नहीं हैगा किसी प्रकार का भी। सानू सूरी उन्होंने मुबारक है, सानू जिहड़ा है संदीप सिंह मुबारक है, तो असी फुल्लां दी वर्खा करिए, असी उन्हों सरोपा पाईए, असी उन्हों सन्मानित करिए। ये सिख पंथ ने वेखना, खालसा पंथ ने देखा, साड़ी जो रिवायत ने असी उस मुताबक उन्होंने सन्मानित करते रहेंगे, होर सानू इस गल तो कोई भी रोक नहीं सकता। तो इन गलों के उत्तरे जा करके प्रशासन को शिकायत करनी है, मेरे ख्याल नाल ये बचपना जहा है। लेकिन प्रोफेसर साहब जो सनी की पिछली बार पेशी सी संदीप होना की, उन्होंने बहुत सोहनी एक गल कही कि हिंदू सिख एकता कायम रहनी चाहिए है, मेरा किसी एक व्यक्ति के नाल मुखावत हो सकता जां मेरा उन्होंने कोई निजी जरा रंजिश हो सकती, लेकिन सारे हिंदू परिवार ने की लगता कि इस बयान में ही सोच लेना चाहिए कि जेकर उन्होंने आ चीज़ कही है तो कुछ ना कुछ सोच के गल की हुई। देखो कितना विशाल हिरदा है उस व्यक्ति का, भाई संदीप सिंह का, कि जिन्हां ने कि यह गल कही है कि भाईचारक सांझ बन के बनी रहनी चाहिए है, और असी भी इस गल दे मुद्दई हाँ कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। असी इस गल दे मुद्दई हाँ, चाहे वह हिंदू होए, चाहे वह मुसलमान होए, चाहे वह ईसाई होए, किसी भी धर्म दा नाल संबंधित है, सिख कभी भी किसी दे नाल कोई वैर विरोध नहीं करता। ये तो जिहड़ा सूरी दे नाल जो कुछ भी भाणा वापरिया है इहदे वास्ते सूरी खुद जिम्मेवार है, तो सूरी के आले दुआले ने जिस प्रकार का माहौल सिरजिया सी सिखां दे खिलाफ उहदे वास्ते वो खुद जिम्मेवार ने। असी फुल्लां दी वर्खा करिए, कल नूं असी उन्हां नूं सरोपा उन्हां सन्मानित करना हैगा है, तो इस प्रकार दे नाल साडा पंथ का सिलसिला तो उन्हां सन्मानित करन दा चलदा रहेगा। तो किसी नूं इस प्रकार का ना प्रशासन ने कोई लोड़ है सानूं रोकण दी,
तो ना ही किसी हिंदू संगठन रोकने की लोड़ है। सिख पंथ ने अपनी रवायतों के मुताबिक अपने जिहड़े साडे नायक ने साडे हीरो ने असीं उन्हां नूं सन्मानित कर रहे हैं तो करते रहांगे। भाई संदीप हुणे कह रहे हैं कि हिंदू एकता सिख जिहड़ी है वह कायम रहनी चाहिए, दूसरे बन्ने गुरदासपुर तो शिवसैनिक आगू ने वह कह रहे हैं कि जी जेकर ऐसा ही माहौल चलता रहा तो श्री अकाल तख्त साहिब दोबारा हमला करने की जरूरत पै सके। देखो इदा है कि जिहड़ा गुरदासपुर तो जिहड़ी आवाज़ आई है कि भाई दरबार साहब तो दोबारा हमला हो सकता है, मेरे ख्याल मुताबक कोई ना कोई व्यक्ति यहोजा उठ खलोंदा जिहड़ा कि सूरी की स्पेस जिहड़ी खाली हुई है वह स्पेस लैण वास्ते यह स्पेस लैण की कोशिशां कीतियां जा रही ने कि भाई सूरी चले गया तो हुण मैं जाके स्पेस ऑक्यूपाई कर लवां। सो ये एक मंदभागी गल है, प्रशासन नूं इन्हां गल्लां दे उत्ते आ करके सरकार नूं इन्हां गल्लां नूं रोकण वास्ते सख्त तो सख्त स्टैप चुकने चाहिए ने, क्योंकि ये जिहड़ी गल्लां ने अगर एक इंडिविजुअल खड़ा होकर बोलने लग पाया कि दरबार साहब पर हमला कर देंगे तो दरबार साहब पर चार दरवाजे कद ली ने, इस करके नहीं वो चार दरवाजे जिहड़े ने वो सारे नॉर्थ ईस्ट वैस्ट साउथ सारे तो हिंदू सिख मुसलमान कोई भी आए उत्थे नतमस्तक हो सकता है। तो ये कहना कि भाई उत्थे दरबार साहब दोबारा हमला हो सकता है, मैं समझदा कि ये समाज के विच एक जहर उगलिया जा रहा है, उहदियां तैयारियां कीतियां जा रही ने और इस जहर नूं जिहड़ा है ना ये नाल हुणे नाल दे नाल ही नप देना चाहिए, प्रशासन नूं ऐसे व्यक्तियों नूं केस पा करके अंदर कर लेना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर साहब अज जो तामझाम देखने को मिल रहा बाहर इस तरह लग रहा पता नहीं किड्डे क वड्डे गैंगस्टर नूं पेश किया जा रहा, ठीक है साडा नायक हो सकता है, लगता है कि इस तरह की जान के ह्यूमर जिहड़ा र्यूमर फैलाना कि ना पुलिस प्रोटैक्शन देनी जां पुलिस नूं कहना कि सिख जथेबंदियां अंदर ना आ जां हिंदू जथेबंदियां ना अंदर आ कलैप्स हो सकता है, कि लगता है कि इहनूं सॉफ्ट तरीके दे नाल भी पेश किया जा सकता ना रादर दैन कि इन्नी पुलिस फोर्स तैनात करन नूं लैके। देखो प्रशासन ने अपने एक पैरामीटर्स हुंदे ने, उन्हां पैरामीटर्स चलदे होए जिहड़ा प्रशासन है कमिश्नर है उन्होंने अपने तौर पर एक प्रबंध किए ने, होर असी भी नहीं चाहते तो मेरे ख्याल मुताबक जिहड़ा समझदार तो सियाणा हिंदू है वह भी नहीं चाहता कि भाई पंजाब दे विच या अमृतसर दे विच किसी प्रकार के नाल भी हिंदू सिखा दे विच किस प्रकार का कोई कलैश होवे। सो प्रशासन ने जिहड़े काम किए ने मैं लगता थोड़ी ओवरडोजिंग की गई है सारे प्रबंध इन्नी ज़्यादा लोड सी नहीं, क्योंकि लोग काफ़ी सियाने हो चुके ने, मैं एक प्रोफेसर हाँ मैं किस तरीके ना किसी बंदे नाल लड़ सकदा कि जाके कि मैं हिंदू दे गल पै जावां, सवाल ही नहीं पैदा उठता। मेरे नाल सुरनजीत सिंह खलोते ने बलदेव सिंह खलोते ने, असी इस चीज़ नूं प्रमोट कर ही नहीं सकते, साडा ये फितरत ही नहीं हैगी साडी सोच ही नहीं हैगी। सो प्रशासन नूं इन्हां चीज़ां नूं भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज के चंगे लोग हैगे ने जिहड़े कि किसी प्रकार के कोई कलैश नूं जिहड़ा है वह चाहते ही नहीं कि कलैश होवे। सो इस प्रकार की ओवरडोजिंग भी जिहड़ी है ना प्रशासन वालों बंदोबस्त की मैं समझदा कि इन्नी लोड़ नहीं सी, इहदे नाल एक पैनिक जिहा क्रिएट हो जाता है। और लगता है कि किन्ने बजे तक संदीप होना पेश किया जाए कुछ लगा पता जी? हमने पता लगे कि शायद एक दो डेढ़ बजे तक पेश कर देंगे उन्होंने। अब फिर वर्खा होएगी जी फुलां दी? बिल्कुल जी, पूरा सत्कार होएगा सन्मान होएगा, असी पूरे परिवार का तो उस सोच के नाल जिहड़ा जिहड़ा व्यक्ति भी कनैक्टेड है असी सारे का सत्कार करते हैं, क्योंकि असं चाहते हैं कि साढ़े वो हीरो ने असी हीरो का सत्कार तो करना ही करना जी। संदीप जिहड़े ने वो हीरो ने सिख जथेबंदियों के आगू दे, तुसी देख सकते हो कि कंपलैक्स के बाहर मौजूद हैं और करीब एक डेढ़ बजे के नज़दीक जिहड़ा आ पेश किया जाएगा संदीप उर्फ सनी नूं, क्योंकि तीन दिन का रिमांड जिहड़ा सीगा पुलिस नूं मिलिया सीगा। ते अज एक होर गल है कि जो वकील ने उन्हां दी हड़ताल भी चल रही है, लेकिन पैनल जरूर संदीप हुणां दा जिहड़ा आ ओह जरूर पहुँचेगा अंदर ते अपने तर्क जिहड़े ओह रखेगा। ते क्या ही जा रहा है कि हिंदू सिख एकता की गल की जा रही है, लेकिन कितना कित जो शिव सैनिक आगुआ वालों दोबारा तो श्री अकाल तख्त साहब से हमला करने की गल की जा रही, यदि निखेधी भी जी जरूर की जा रही है। तो प्रोफेसर साहब का भी कहना कि असं अपने नायकों को हमेशा ही याद रखते हैं तो भविख में भी याद रखांगे। कैमरामैन वंश दे नाल गुरप्रीत सिंह, पंजाबी लोक चैनल अमृतसर।